हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग स्पेशल केयर वनसेल्फ और मैं हूं आपके दोस्त शीशा। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूं वो तो मेरे वीडियो के हेडिंग्स पर आप जान ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंटी एजिंग वाला एक स्किन केयर रूटीन। पर फ्रेंड्स, स्किन केयर रूटीन में मैं जो स्पेशली आपको दिखाऊंगी वो है फ्रेंड्स, नाइट को सोने जाने से पहले हमें अपने स्किन का केयर कैसे लेना है। ऐसे तो फ्रेंड्स फुल डे आपको स्किन केयर लेना है, विंटर सीजन में फ्रेंड्स ज़्यादा स्किन केयर लेना पड़ता है सभी को, ऑल एज के इंसान को फ्रेंड्स विंटर सीजन में ज़्यादा स्किन केयर लेना पड़ता है, क्योंकि विंटर सीजन में ही फ्रेंड्स हम लोग की स्किन ज़्यादा डल हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और इसके वजह से फ्रेंड्स एजिंग बढ़ने का जितने भी लक्षण है वो ज़्यादा चेहरे पे आ जाता है। तो उसे मिटाने के लिए फ्रेंड्स जिनके भी उम्र 30 या 40 या 50 या 60 ऐसे है, या बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनके 20 उम्र में यानी 20 ईयर से स्किन में एजिंग बनने का बहुत सारा लक्षण आने लगता है, जैसे कि स्किन डल हो जाना, स्किन में दाग धब्बा आ जाना, स्किन में रिंकल आ जाना, स्किन का ग्लो खो जाना, स्किन लूज हो जाना, सैगी स्किन लगना, ऐसा वगैरह वगैरह जो भी फ्रेंड्स उम्र बढ़ने का लक्षण है वो सब कुछ 20 साल की उम्र से ही देखने को मिलने लगता है। ऐसे बहुत सारे फ्रेंड अभी इसके वजह क्या है वो तो बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि आप अपने स्किन का मेंटेन अच्छे से नहीं करते हो, या फ्रेंड्स आपके कोई भी बीमारी है, या फ्रेंड्स ऐसे भी हो सकता है क्या फ्रेंड्स आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, क्योंकि जिनके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं उनके स्किन में एजिंग बढ़ने का लक्षण बहुत जल्दी से आता है, तो बहुत वगैरह वगैरह इसका कारण हो सकता है। तो इसका क्या कारण है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, पर इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं आप, आपके स्किन को जवान बना सकते हैं उसी के ऊपर आज का टिप्स है। तो फ्रेंड्स ये जो मैं मेन टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स और भी 5 टिप्स मैं आपको ऐसे बोल दूंगी जिसे फॉलो करने से फ्रेंड्स आप विंटर सीजन में हो या समर सीजन में हो, कोई भी सीजन में हो, हर वक्त ग्लो करेगा आपके चेहरा, आपके स्किन हर वक्त जवान दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ अवॉइड करना है, और रात को सोने जाने से पहले ऐसा क्या मैजिकल टिप्स है जिसे लगाने से फ्रेंड्स आप फिर से जवान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो टिप्स है उसका जो फ़ायदा है पहले मैं वो आपको बोल देती हूँ। पहला तो फ़ायदा है फ्रेंड्स, ये जो टिप्स है ये आप रात को अप्लाई करते हो तो फ्रेंड्स आपको कोई भी नाइट क्रीम लगाना नहीं पड़ता है। हम लोग महंगा महंगा नाइट क्रीम अपने फेस में लगाते हैं तो और उतना सारा पैसा आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, ये एकदम ही चिप में हो जाएगा। ये तो फर्स्ट बेनिफिट है, क्योंकि फ्रेंड्स सभी लोग चाहते हैं अपने पैसे को बचाना। उसके साथ फ्रेंड्स होममेड है तो इसका असर बहुत जल्दी से भी मिलेगा और परमानेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है क्या कोई हम लोग जब क्रीम लगाते हैं, जब लगाते हैं तभी उसका बेनिफिट मिलता है और जब छोड़ देते हैं फिर से चेहरा आगे की तरह बन जाता है, पर ये नहीं करेगा, ये आपको रिकवर करेगा, आपके स्किन का रिंकल को फुल रिमूव कर देगा, आपके स्किन को टाइट बनाएगा, आपके फेस में जितने भी किस्म का दाग धब्बा है धूप से बना हुआ, टैन हो या फिकल्स हो या पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, जितने भी सारे दाग धब्बे हो सभी दाग धब्बे को ये रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये आपके फेस में किसी भी कटे जले का निशान को भी मिटाने में हेल्प करता है, बहुत ही असरदार है ये टिप्स। और उसके साथ फ्रेंड्स ये आपके स्किन में ग्लो ला देता है, इंस्टेंटली ग्लो तो लाता ही है फ्रेंड्स, और उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये आपके स्किन को परमानेंटली ग्लोइंग स्किन दिलाता है और आपके स्किन एकदम बेबी सॉफ्ट बन जाता है और आपके स्किन हर वक्त खिले खिले लगते हैं, टाइट लगते हैं। तो ये और आपके स्किन में एक स्मूथनेस आ जाता है, मतलब एक जवान होने के साथ साथ हम लोगों के स्किन में जो स्मूथनेस आता है वो स्मूथनेस फ्रेंड्स आपको 60 ईयर के लेडीज में या जेंट्स जो भी ये यूज करेगा, लेडीज हो जेंट्स हो हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो जो भी यूज करेंगे उसका स्किन फ्रेंड्स फिर से टीनेजर की तरह दिखेगा। तो ये टिप्स जरूर इस्तेमाल करना। ऐसे तो फ्रेंड्स मैं अपने चैनल में बहुत सारे एंटी एजिंग टिप्स शेयर आपके साथ करती जाती हूँ तो उसे भी फॉलो करो। और अभी आप सोच रहे हो शायद कि आई का टिप्स तो मैं यूज़ करती हूँ फिर से मैं क्यों टिप्स दे रही हूँ, तो फ्रेंड्स ऐसा बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं आपके सिवा शायद, जो लोग सब कुछ जिनके पास अवेलेबल नहीं है या जिन सभी को सब कुछ सूट भी नहीं कर सकता है, तो एक बार जरूर ट्राई करके देखो, आपको सूट करता है तो फ्रेंड्स आप इसे
रेगुलर यूज करो। और ये जो मैं ट्यूब्स दिखा रही हूँ ये मेरा खुद का है, मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ये बहुत ही पसंद है, मेरे लिए मेरे स्किन के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैंने जैसे आपको बोला है 5 टिप्स मैं अलग से आपको दूंगी, जिससे फ्रेंड्स आप विंटर सीजन में हर वक्त जवान दिखोगे, ग्लोइंग स्किन आपको मिलेगा। तो फर्स्ट टिप्स है फ्रेंड्स, बहुत सारा पानी पीना है आपको विंटर सीजन में। ऐसे तो फ्रेंड्स ऑल सीजन में हर वक्त सभी को बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जितने आप पानी पियोगे उतना ही आपकी स्किन ग्लो करेगा, आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगा। विंटर सीजन में हम लोग तो फ्रेंड्स पानी से दूर ही रहते हैं, नहाने को भी नहीं जाते हैं, शायद चेहरा वॉश करने को भी नहीं चाहते हैं, सर हर वक्त गर्म पानी के साथ हम लोग जुड़े रहना चाहते हैं, ठंडे पानी से कुछ भी नहीं करना चाहते। तो नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, आप दिन भर गुनगुना पानी भी पी सकते हो, पर पानी जरूर पियो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर पियो। पानी गुनगुना पानी तो सेहत के लिए और भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गुनगुना पानी भी पी सकते हो। ये है फर्स्ट टिप्स। सेकंड टिप्स है फ्रेंड्स, आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। सनस्क्रीन विंटर सीजन हो और कोई भी सीजन हो हर वक्त लगाना चाहिए, पर विंटर सीजन में हम लोग ज़्यादा धूप पसंद करते हैं, धूप में ज़्यादा जाते हैं, तो इससे वजह से हम लोग की स्किन में टैन आ जाता है। और धूप के वजह से फ्रेंड्स हम लोगों के स्किन में एज बढ़ने के जितने भी लक्षण है वो आ जाता है, जैसे कि रिंकल आ जाता है, फिकल्स आता है, स्किन में दाग धब्बे भर जाते हैं, धूप के वजह से ही होता है ये ज़्यादातर। तो उस धूप से बचने के लिए आपको धूप तो लगाना ही है, क्योंकि धूप में विटामिन डी है, तो धूप भी लगाना है और धूप से अपनी स्किन को भी बचाना है। तो इसके लिए आपको सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट 3 टिप्स है, आपको स्क्रबर यूज़ करना है, क्योंकि विंटर सीजन में फ्रेंड्स धूल मिट्टी ज़्यादा ही हम लोग के स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके साथ ही साथ हम लोग स्किन में डेड सेल ज़्यादा देखा जाता है। इसका कारण है फ्रेंड्स, विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हम लोग अपने चेहरे पे कैरी करते हैं। कैसे, जब हम लोग ज़्यादा क्रीम लगाते हैं और क्रीम में जो भी बाहर का धूल मिट्टी है वो चिपक जाता है, वो अंदर तक चला जाता है, और उसके साथ ही साथ स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, जिसके वजह से स्किन में डेड सेल भी ज़्यादा आते हैं। तो इन सभी को रिमूव करने के लिए आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन स्क्रबर जरूर करना है। फेस को स्क्रबिंग नहीं करोगे तो फ्रेंड्स आपकी स्किन का डेड सेल नहीं रिमूव होगा, आपकी स्किन डली लगेंगे। तो जो भी इस्तेमाल करो हफ्ते में 3 दिन स्क्रबर जरूर करो उसके साथ। 3 नंबर गया। और 4 नंबर टिप्स है फ्रेंड्स, हर किसी को ऑल सीजन में एवरी डे क्लींजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करना ही है। क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर हर कोई को करना है। आप हर रोज अपने फेस को दिन में 2 बार क्लीन जरूर करो और 2 बार मॉइस्चराइज करो और टोनिंग भी 2 बार जरूर करो। विंटर सीजन है तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो, पर क्लींजिंग आपको 2 बार ही करना है दिन भर में। ज़्यादा आप फेस वॉश यूज मत करो, फेस वॉश से आप क्लींजिंग करते हो तो फ्रेंड्स आप दिन भर में 2 बार ही फेस वॉश के साथ को धो सकते हो। पर इससे भी ज़्यादा आपको लगता है कि आपके फेस को क्लीन करना है तो फ्रेंड्स मार्केट में बहुत सारा ऐसे मॉइस्चराइजर बेस्ड क्लींजर मिलता है, उससे आप अपनी स्किन को क्लीन कर सकते हो। विंटर सीजन के लिए स्पेशली मैंने बोला है। और इसके सिवा भी मैं अपने चैनल में बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाई हूँ जो नेचुरल क्लींजिंग का काम करता है, तो उसे यूज़ करके भी आप दिन भर में 3-4 टाइम क्लीन कर सकते हो अपने फेस को। और उसके बाद आपके जो फेवरेट मॉइस्चर है उसे जरूर इस्तेमाल करो, और उससे पहले फ्रेंड्स टोनर को यूज़ करना मत भूलो। क्लींजिंग करने के बाद टोनर भी फ्रेंड्स आप अपने पसंद का यूज़ कर सकते हो, या नेचुरल टोनर, जैसे कि फ्रेंड्स रोज़ वाटर आ जाता है, क्यूकम्बर वाटर आता है, ऐसा जो भी आपके फेस में सूट करता है वो आप जरूर इस्तेमाल करो, उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है। तो ये है 4 नंबर टिप्स। और 5 नंबर टिप्स में फ्रेंड्स नाइट क्रीम, नाइट को सोने जाने से पहले ऐसा कुछ अपने फेस में इस्तेमाल करो ताकि आपकी स्किन सुबह उठ के फिर से रिजुविनेट हो जाए, आप फिर से एकदम सब मिटा के फिर से ग्लो करने लगो। तो नाइट केयर आपको जरूर लेना है, क्योंकि रात को हम लोग जब सोते हैं तब 8 घंटे में हम लोग की स्किन जो रहता है वो पूरा रिलैक्स करता है, और इसी टाइम में आप जो भी लगाते हो ये बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होता है, स्किन इसको बहुत अच्छे से खा लेता है, तो इसी वजह से हम लोग के स्किन में बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग होता है। तो इसी वजह से रात को आपको नाइट केयर लेना ही है। तो नाइट केयर के
जब आ ही गया बात तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने जा रही हूँ विंटर सीजन के स्किन केयर रूटीन में नाइट क्रीम। तो वीडियो देखते भी जाओ और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करना मत भूलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और उसके साथ बेल बटन को भी दबा लो ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई नया सा वीडियो लाऊं उसके तुरंत बाद ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरा हर वीडियो का टिप्स आप ले पाओ और उसका फायदा भी उठा पाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए पहले जो मैं ले रही हूँ वो फ्रेंड्स आमंड ऑयल। आमंड ऑयल फ्रेंड्स हर किसी की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग का काम करता है, ये आपकी स्किन का रिंकल को मिटाता है, आंखों के चारों तरफ जो डार्कनेस आता है उसे मिटाता है और फ्रेंड्स आपकी स्किन को ग्लोइंग स्किन दिलाता है, एकदम बेबी सॉफ्ट आपकी स्किन बना देता है, स्किन को टाइट भी बनाने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए मैं इसमें जोड़ूंगी 5 बूंद आमंड ऑयल। अभी किसी को ऐसा हो सकता है कि आमंड ऑयल सूट नहीं करता है तो वो इसे स्किप करके जो भी ऑयल आपको सूट करता है वो इसे जरूर इसमें इस्तेमाल करें। 5 ड्रॉप ये ऑयल आपको इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके साथ मैं ऐड करूंगी ग्रीन टी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ग्रीन टी पी लिया है और इसके नीचे थोड़ा बहुत ग्रीन टी मेरा रह गया है तो इससे मैं 1/2 चम्मच ग्रीन टी इसमें जोड़ूंगी। फ्रेंड्स ग्रीन टी में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहता है, एंटीऑक्सीडेंट बिना तो फ्रेंड्स ये रेमेडी हो ही नहीं सकता है क्योंकि फ्रेंड्स उम्र बढ़ने के साथ साथ हम लोग की स्किन का एंटीऑक्सीडेंट खोने लगता है जिसके वजह से हम लोग के उम्र बनने का सभी लक्षण आ जाता है, स्किन सैगी सैगी लगने लगता है, रिंकल आ जाते हैं, ग्लो खो जाता है, सभी कुछ एंटीऑक्सीडेंट खोने की वजह से होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा जिसमें है वो है ग्रीन टी, वो ग्रीन टी को ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो 1/2 चम्मच मैंने इसमें ग्रीन टी ऐड कर लिया। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके साथ आपको जोड़ना है ग्लिसरीन। फ्रेंड्स विंटर सीजन के लिए ग्लिसरीन तो फ्रेंड्स एकदम मस्त मैं बोलूँगी, ग्लिसरीन बहुत अच्छा रहता है, किसी भी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है विंटर सीजन में। पर आपकी स्किन में ग्लिसरीन सूट नहीं करता तो आप इसे स्किप कर सकते हो, पर मेरे स्किन में तो सूट करता है तो इसीलिए मैं इसे इस्तेमाल करूँगी। ज़्यादातर ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और बहुत सारे ऑयली स्किन के लिए भी फ्रेंड्स ये अच्छा रहता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन फ्रेंड्स आपकी स्किन में एक गर्माहट दिलाता है, विंटर सीजन में गर्माहट दिलाने के वजह से फ्रेंड्स आपकी स्किन ग्लो करने लगता है और ये आपके स्किन में एक लॉक कर देता है ऊपर का लेयर को ताकि बाहर से कोई भी पॉल्यूशन ना आ पाए। आपके स्किन में विंटर सीजन का जो ठंडाहट है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता है तो इसके वजह से आपकी स्किन ग्लो करने लगता है। तो ग्लिसरीन को इसमें जरूर ऐड करें, 5 बूंद इसमें ग्लिसरीन आपको ऐड करना है। नेक्स्ट फ्रेंड इसके साथ आपको जोड़ना है विटामिन सी, वो भी नेचुरल। फ्रेंड्स एंटी एजिंग बढ़ने का जितने भी लक्षण है उन्हें सभी को मिटाने के लिए विटामिन सी कमाल का काम करता है। विटामिन सी आपके स्किन का दाग धब्बे को रिमूव करने में हेल्प करता है, उसके साथ ही रिंकल को मिटाता है, स्किन में ग्लो ला देता है, जवान बनाता है, स्किन का कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करने में हेल्प करता है, टैन को मिटाता है। वो मैं बोलती जाऊंगी तो इसका विटामिन सी का फायदा खत्म नहीं होगा। तो विटामिन सी जोड़ने के लिए आपको कोई भी लेमन आपको जोड़ना है। यहाँ पे देखिए मैं ऑरेंज भी दिखा रही हूँ, मौसम भी दिखा रही हूँ, लेमन दिखा रही हूँ, इन तीनों में से कोई भी आपके घर पे जो भी अवेलेबल है, जहाँ पे भी आप रहते हो जो भी अवेलेबल है वो ले लो और इसमें 5 बूंद जोड़ दो, 5 से 6 बूंद भी आप जोड़ सकते हो। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो फ्रेंड्स 2 ही बूंद इसमें जोड़ो, उससे ज़्यादा नहीं। और आपको लेमन सूट नहीं करता है तो फ्रेंड्स आप स्किप भी कर सकते हो। ओके तो अभी क्या करना है, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करो। ये जो मैंने बनाया है ये एक ही दिन के लिए बनाया है, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो बना के 7 दिन के लिए, पर वो बना के आपको कोई भी टाइट जार में रखना है और आपको अपने फ्रीज में से रखना है। विंटर सीजन है इसीलिए आप घर पे कहीं पे भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है, आपको फ्रीज में ही रखना है और टाइट जार में बना के 7 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए अभी मैं इसे अपने फेस में लगा के आपको दिखाती हूँ इसका इंस्टेंट रिजल्ट क्या आता है और इसे कैसे लगाना है, फुल डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये तो बना लिया है, इसे लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप अपने फेस को पानी से भी धो सकते हो या फ्रेंड्स आप जो फेस वॉश यूज़ करते हो या क्लींजर यूज़ करते हो, जो भी आपके फेवरेट हो उससे आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला इसे आपको रात को सोने जाने से पहले करना है।
तो क्लीन करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये लगाना है, ये आपको पूरा फेस में लगाना है, होठों के ऊपर भी आप लगा सकते हो। तो मैं लिपस्टिक लगाई हूँ तो नहीं लगा रही हूँ, पर आप होठों के ऊपर भी जरूर लगाओ। बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जिनके होठ के ऊपर भी बहुत डार्कनेस रहता है और आंखों के चारों तरफ फोरहेड में टैन ज़्यादा आता है, चीक में ज़्यादा हम लोग के ब्लैक पैचेस आता है, और इसे आप नेक में भी लगा सकते हो। ऐसे भी है फ्रेंड्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बना लो और बनाने के बाद अपने हाथ पैर पे भी आप इसे लगा सकते हो और इसे लगा के अच्छे से मालिश करो, हल्का हाथ से मालिश करो। इसे मालिश करने से ये जितने मालिश होगा उतना आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो पाएगा, तो इसे अच्छे से मालिश करना। और मालिश नहीं भी आता है तो गोल गोल घुमाते जाओ अपने फेस में और आंखों के चारों तरफ फ्रेंड्स आप आपके फिंगर टिप्स के मदद से इसको गोल गोल जरूर घुमाओ। आंखों के चारों तरफ का जो डार्कनेस है इससे तो ये रिमूव करता है, उसके साथ ही साथ रिंकल को मिटाता है। तो इसे आंखों में भी अच्छे से लगाना, नेक में भी फ्रेंड्स उम्र बढ़ने का लक्षण आ जाता है, नेक भी हम लोग के सैगी सैगी लगता है। तो इन सभी जहाँ पे भी सैगीनेस आ जाता है या ड्राइनेस आता है वहाँ पर इसे जरूर लगाओ, और इसे लगा के आपको रात भर रख देना है और सुबह उठ के नॉर्मल वाटर से आपको अपने चेहरे को अच्छे से धो लेना है। फ्रेंड्स अभी तो मैं आपके कैमरे के सामने हूँ तो रात भर रख के मैं नहीं दिखाऊंगी, तो मैं इसे कुछ देर रखने के बाद 10 से 15 मिनट रखने के बाद धो के आपके साथ धो के इसका इंस्टेंट क्या रिजल्ट आता है एक बार जरूर शेयर करूंगी। चलिए धो लेते हैं। तो ये 10 से 15 मिनट मेरा बीत गया है, अभी मैं इसे धोऊंगी और धोने के तुरंत बाद ही आप देख पाओगे इसका क्या रिजल्ट आता है। 10 से 15 मिनट मैंने यूज़ किया है और इसे पानी के साथ ही धोना है, ऐसा नहीं है कि फेस वॉश से धोना है या क्लींजर से पोंछ लेना, ऐसा नहीं है, पानी से ही अच्छे से धोना है। तो ये मैं धो रही हूँ, देखते जाओ, अभी मैं इसको पोंछ भी लूँगी। फ्रेंड्स इसे आपको हर रोज़ रात को लगाना है, रात को सोने जाने से पहले इसे लगा के कम से कम 10-15 मिनट ही आप बाद बेड में जाओ ताकि ये आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो और उसके बाद ही बेड, नहीं तो आपके तकिए में चला जाएगा ये बिस्तर में या आप जो भी लपेट के सोओगे उसमें चला जाएगा। तो थोड़ा बहुत टाइम तो ये आपके स्किन में रहेगा और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप बेड में जाओ और रात भर रखो और धो लो। तो ये देखिए मैंने धो लिया है और धोते ही इसका रिजल्ट आप देखो मेरे स्किन से कितना ग्लो आ रहा है है। एक ही दिन के इस्तेमाल से इसे आप रेगुलर करोगे और मैं खुद इसे रेगुलर करती हूँ, आप खुद जरूर करो। ये रेगुलर करने से फ्रेंड्स आप देख पाओगे, हर कोई आपको देख रहे हैं क्योंकि आपके स्किन का कोई भी दाग धब्बे ये रहने देगा, आपके स्किन में एक सॉफ्टनेस आ जाएगा, ग्लो करेगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ ये टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक करना जरूर, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और उसके साथ बेल बटन को भी क्लिक कर लो। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर रिटर्न आऊंगी कोई अच्छा से ब्यूटी टिप्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।